नमस्कार, हम चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान न्यूज। बीपीएल पार्टी के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कांग्रेस द्वारा लालच देकर चुनाव मैदान से हटाने पर बीपीएल पार्टी के कार्यकर्ता अब वासुदेव देवनानी को चुनाव जिताकर वापस विधानसभा में भेजेंगे। बीपीएल पार्टी भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम प्रत्याशी को कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में बिठाने पर कड़ी प्रतिमा व्यक्त की है। बीपीएल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल साहू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संवाददाताओं को जानकारी दी। प्रत्याशी हमने उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी के बैनर तले उतारा था। हमारा पार्टी रजिस्टर्ड है, हमारा सिंबल भी रजिस्टर्ड है और हमने पार्टी प्रत्याशी का सिंबल पे उतार दिया था, फॉर्म भी भरा दिया। लेकिन कल रात को कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता ने और उनके कार्यकर्ताओं ने मिलीभगत करके हमारे पार्टी प्रत्याशी को पैसे का लालच देके बिठा दिया। हम इसकी कड़े रूप से भर्त्सना करते हैं और अब इस मामले को लेकर हमारा यही कहना है कि अब हम खुलकर रलावता जी को हराने के लिए काम करेंगे और इस जो हमारे 12,000 जो वोट है हमारे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, ये सब देवनानी जी को दिलवाएंगे हम और देवनानी जी को भारी मतों से जिताकर वापस विधानसभा भेजेंगे, ताकि इसको इनको मालूम पड़ जाए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमने जो प्रत्याशी उतारा था मंसूर अली, उसके पास 5 वोट भी नहीं है। ये हमारी ताकत, हमारी खौफ और हमारे दहशत से कांग्रेस घबरा गई थी। सोच रहे थे इनसे इनको फटाफट बैठा दो, उनकी हिम्मत नहीं हमसे बात करने की, क्योंकि वो जानते हैं कि हम हमारे जो कार्यकर्ता हमारे जो लगे हुए हैं मेहनत करते हैं और गरीब मजदूर में लगे हुए हैं। 12,500 जो सदस्य हमारे उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, सबके सब सारे के सारे वोट में स्टाम्प पर लिख के देता हूँ, अब देवनानी को जाएंगे और देवनानी जी को जिता जाएंगे। ठीक है, बाबूलाल साहू राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर विधानसभा क्षेत्र से देवनानी जी को सपोर्ट करेंगे।